हम आपको कॉर्पोरेट स्टाइल की ड्रेपिंग में एक और वेरिएशन दिखा रहे हैं, जिससे कि आपके पास ऑफिस की पार्टी में जाने में कोई कमी ना रह जाए वेरिएशंस की। लिफ्ट कॉर्नर, टेक वन राउंड। Take arm length. Leave it. Take the second round. And start the pleating. और सेकेंड राउंड सिर्फ लेना है, लेकिन आपको टकिन नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि कल्पना जी ने बताया, हर बार आधा इंच छोड़कर फिर प्लीट्स लेनी है। और ये कितना है, छोटा प्लीट लेना है, 5.5 प्लीट लिया है। क्लिप से सिक्योर कर रही हूँ। कंटिन्यू करिए ये प्लीट्स को। सिक्योर विद द क्लिप। Put at the left shoulder and still continue below the knee. Pleats कितना long लेनी होती है इसमें? Just below the knee. Below the knee. इसमें शोल्डर, पुट द पिन लिटिल बैक ऑफ योर शोल्डर, लिटिल बैक ऑफ योर शोल्डर। सेट द फ्रंट प्लीट्स। वी हैव टेकन 5.5 प्लीट्स, सो इट शुड सीन 5.5 प्लीट्स। कवर द चेस्ट। उसके बाद स्मूथली ये बॉर्डर को बाहर निकालिए और एक छोटी सी पिन, यहाँ ध्यान रखिए एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, और आपको पिन लगाना है। तो हमें पल्लू को पिनअप करने के बाद एक बार फिर से प्लीट्स को थोड़ा सेट करना है, उसके बाद पीछे से लाके फ्रंट में पिन लगानी है। ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट स्टाइल की ड्रेपिंग में कभी भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप स्टमक प्लीट बना सकते हैं। पीछे का एक प्लीट स्मूथली छोड़ना है और साड़ी को सेट करके टकिंग करना है। Take out the front pleat and make a broad pleat. Tuck inside. Set again the pleats. बाद में सेट द शोल्डर प्लीट्स। उसमें फर्स्ट प्लीट कम्स बिलो द नी, सेट फ्रॉम हियर ऑल्सो। इधर से भी आप सेट करेंगे, सो यहाँ एक भी क्रीज नहीं दिखेगी। पहला प्लीट्स नीचे आएगा बिलो द नी, सेकंड ऑल्सो लिटिल बिट अबव द नी, थर्ड हिप्स पे आएगा, फोर्थ थोड़ी कमर पे आएगी।
पूरा टाइट फिटिंग आना चाहिए। उसके बाद ये प्लीट्स मेरा थोड़ा गिर गया है तो मैं क्लिप्स लगा के इसको मैं लिफ्ट करूँगी, पूरा साड़ी नहीं निकालूँगी। उसके बाद अगेन लिटिल बिट सेटिंग ऑफ द प्लीट्स, बाद में मैं स्टमक प्लीट पिन लगाऊंगी। एक प्लीट छोड़ के यहाँ लगाना है। पेटीकोट के साथ लगाना है। कभी ऐसा लगे कि ये जो आपको बाहर आ रहा है तो एक अंदर से भी आप पिन लगा सकते हैं, कभी ऐसा होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स काफी यूजफुल हैं। कल्पना जी, अगर हमें इस कॉर्पोरेट लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाना है तो इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? यू कैन ऐड वन बेल्ट जो मैं आपको इधर से टाई करूंगी। उसके बाद इसको भी सेट करना जरूरी है बेल्ट लगाने के बाद भी। और उसके बाद में ये जो स्टाइल है पीछे मैं वी पल्लू दिखा रही हूँ कैसे करना है। इसको थोड़ा सा छोटी पिन से पिनिंग करिए। आगे इसको पिन से टक करिए। इसको वी बनाइए। अगेन ये प्लीट छोड़ के इसके साथ लेना है। और पिन लगाना है। वेरी नाइस कल्पना जी, इस बेल्ट और पल्लू से तो साड़ी और भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। तो कल्पना जी ने हमें बताया कि अगर कॉर्पोरेट स्टाइल की ड्रेपिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 वेरिएशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉर्पोरेट पार्टी में। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी जहाँ पर हम आपको साड़ी ड्रेपिंग की और वेरिएशंस बताएंगे। थैंक यू कल्पना जी। वेलकम।